हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स वर्ल्ड। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है, तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी टीचर्स डे। आज का जो हमारा टॉपिक है ट्वेल्थ क्लास के अंदर, अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ लिया। हमने गॉस का नियम पढ़ लिया, वी हैव स्टडीड गॉस लॉ, हमने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ ली, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ ली। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज आवेश घनत्व या आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको मैं शुरू के 5 मिनट में आपको पूरा ढंग से समझा देता हूँ और उसके बाद में इसको ढंग से लिखवा देता हूँ। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोग वीडियो को हाई क्वालिटी में देखा करें, नीचे ऑप्शन आता है क्वालिटी का, शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग यूट्यूब बहुत चलाते हैं, ठीक है। फिर भी कोई मेरा जैसा बोला वाला हो, छोटा बच्चा हो, तो वो सीख ले, नीचे क्वालिटी का ऑप्शन आता है बेटा। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण, इसी हेडिंग को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, हालांकि ब्रैकेट में इसका नाम ये नहीं है आवेश घनत्व, लेकिन फिर भी हमने इसका नाम दे दिया आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी। ये आज का हमारा टॉपिक है और आज की क्लास खत्म होने के बाद में आप लोग इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर हमने सारे डेरिवेशंस पहचानने थे कि कौन सा डेरिवेशन कौन सा है, उसको आप फिर से एक बार देखें, क्योंकि कल है संडे और कल से हम लोग हमारे डेरिवेशन पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा डेरिवेशन कौन सा चलेगा। कल से आपको एक एक घंटे के वीडियो मिलेंगे, क्योंकि डेरिवेशंस जो हैं वो काफ़ी लॉन्ग है, उन डेरिवेशंस के अंदर आपको डायग्राम्स मिलेंगे, लैंग्वेज मिलेगी, सारा कुछ एक्सप्लेनेशन मिलेगा, फिर डेरिवेशन की जो ट्रिक्स होती है कैसे डेरिवेशन किया जाता है वो शुरू के 10 मिनट के अंदर आपको अलग से वीडियो अपलोड मिलेगा। निकल से आपको छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे, एक 10 मिनट का, 10-15 मिनट का, जो भी उसकी ट्रिक डेरिवेशन की कि कैसे उस डेरिवेशन को याद किया जाए, और फिर एक घंटे का कंटेंट पूरा रहेगा, इसलिए आप लोग अब रेडी हो जाए, ठीक है। ये लास्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है, सतत आवेश वितरण, आवेश घनत्व, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डेंसिटी। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग ये है, पहली बात, ये जो टॉपिक है वो एक काल्पनिक टॉपिक है, दिस इज टोटली एन इमेजिनेशन, क्योंकि किसी भी वस्तु को या किसी भी चालक को, किसी भी कंडक्टर को सतत आवेश यानी कंटिन्यूस चार्ज, लगातार चार्ज नहीं दिया जा सकता है। फिर ये समरी आई कहाँ से, ये थ्योरी आई कहाँ से? इस थ्योरी का मीनिंग ये हो गया कि भाई हमारे पास में कोई ऐसा चालक पदार्थ है, ऐसा कंडक्टर सब्सटेंस है जिसके अंदर जो आवेश है वो बहुत ही पास पास में स्थित है, जो चार्जेज है वो बहुत ही नियर बाई सिचुएटेड है। तो एक चार्ज आया, फिर दूसरा लिया, तीसरा लिया, इस टाइप से जब एक से दूसरे इलेक्ट्रॉन या जो भी धातु है, मेटल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर कंटिन्यू हो रहा है वो। समझ गए आप लोग? जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ से करीब 100 मीटर दूर एक बस के अंदर बच्चे उतर रहे हैं ऐसे, और हम जब दूर से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि अरे ये तो जैसे नदी बह रही है वैसे बह रहा है, लेकिन रियल में ऐसा थोड़ी ना है, वो तो हमें ऐसा फील हो रहा है क्योंकि हम दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, भाई बच्चे हैं, वो कोई नदी थोड़ी है, पानी थोड़ी है, कंटिन्यू ऐसे फ्लो होगा। लेकिन जैसे अगर अपन उसको दूर से देखें और बच्चे भागते हुए उतर रहे, तो हमें तो ऐसे लगेगा ना कंटिन्यू बच्चे चिपके हुए, पूरा एक ही चीज़ उतर रही है, ऐसा ये वाला सिस्टम है इसके अंदर। यानी कि जब किसी पदार्थ में, किसी चालक में, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स या जो चार्जेज है वो नियर बाई सिचुएटेड है, पास पास में रखे गए हैं, और जब हम उनको आवेश दे रहे हैं, ठीक है, जब हम उनको चार्ज दे रहे हैं, तब वो जो आता है किस कैटेगरी के अंदर आता है? सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। अगर अभी तक आपको कुछ नहीं पता चला तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल एकदम रिलैक्स। कुल मिला के इसकी शुद्ध हिंदी में इसका मीनिंग ये हुआ कि मुझे किसी वस्तु को लगातार आवेश देना है, यहीं से पता चल गया। सतत मतलब लगातार, आवेश मतलब आवेश, वितरण यानी देना है, कंटिन्यूस मीन्स कंटिन्यूस, चार्ज मीन्स चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो मैं तीन तरीके से कर सकता हूँ, हमारे कोर्स में तीन है, टोटल 19,616 तरीकों से हम लोग किसी वस्तु को सतत आवेश दे सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी मेटल को 19616 टाइम्स
हम लोग या टाइप से कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो पहला जो हमारे कोर्स में है वो है रेखीय, मीन्स लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण। दूसरा जो है वो है पृष्ठ आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा जो है वो है आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एंड द थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी के ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ डेंसिटी, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व। ये इसका दूसरा नाम नहीं है, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ। रेखीय आवेश घनत्व भी लिख सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसके बाद में इधर आ जाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा हो जाएगा हमारे पास में आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। मैं तीनों को समझा देता हूँ, फिर एक एक करके लिखवा देता हूँ आप लोगों को। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मुझे किसी वस्तु को आवेश देना है, चार्ज देना है, मुझे किसी वस्तु को आवेश देना है, चार्ज देना है, मुझे किसी वस्तु को आवेश देना है, चार्ज देना है। उसकी लंबाई के अनुदिश, उसकी लेंथ के रेस्पेक्ट में, उसके क्षेत्रफल के रेस्पेक्ट में, एरिया के, सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में, या उसके आयतन के रेस्पेक्ट में। तो इसको तो कहते हैं लैम्ब्डा, इसको कहते हैं सिग्मा, और इसको कहते हैं रो। उम्मीद करता हूँ आपको अधिकतर चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो भी इस वीडियो को पूरा देखें, और कल जो वीडियो आएगा एक घंटे का उसको भी पूरा देखें। यानी कि मुझे लंबाई के अनुदिश आवेश देना है, मुझे क्षेत्रफल के अनुदिश आवेश देना है, इसमें आयतन के अनुदिश आवेश देना है, इसमें लेंथ के रेस्पेक्ट में चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसमें वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये जो लैम्ब्डा है इसको कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। ये जो सिग्मा है इसे कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व। और ये जो रो है उसे कहा जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व। तो सबसे पहले इस लैम्ब्डा का मात्रक क्या हो गया, यूनिट क्या हो गई लैम्ब्डा की, और डायमेंशन क्या हो गई, विमा क्या हो गई, फिर हम लोग इनकी परिभाषा बना लेंगे। इसकी जो यूनिट होगी चार्ज की होगी कूलाम, लंबाई की मीटर, यानी कूलाम प्रति मीटर होगी, या इंग्लिश में लिखे तो हम लोग कूलाम पर मीटर। ये एक नंबर का क्वेश्चन अलग से हो गया। इसकी यूनिट क्या होगी, आवेश की कूलाम, क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल। आवेश चार्ज की कूलाम, एरिया की मीटर स्क्वायर। इधर मैं फिर से कहता हूँ ये लास्ट थ्योरी टॉपिक है अभी, इसके बाद में कल से डेरिवेशन स्टार्ट होंगे। तो आप पार्ट नंबर वन इस चैप्टर का फिर से देख लेवें, 10-15 मिनट में उसको रिवाइज कर लेवें, ठीक है। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ रखा है, टॉपिक पढ़ रखा है, वो भी फिर से देख लेवें, क्योंकि आपको कुछ न कुछ नई 99% चीज़ें नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ क्लास में ट्रिक्स से डेरिवेशन की है, ना तो डायग्राम बनाए ना कोई बात, ठीक है। तो हम यहाँ पर बनाएंगे, आप लोग देखना उसको पूरा। चार्ज आवेश कूलाम, आयतन का हो जाएगा मीटर क्यूब, यानी कूलाम प्रति मीटर क्यूब, इंग्लिश में लिखे तो कूलाम पर मीटर क्यूब। अब इसकी डायमेंशन पूछ सकता है बेटा, इसकी डायमेंशन चार्ज की डायमेंशन होती है एटी, अगर आपको पता हो तो, और डिस्टेंस की होती है L1। तो इसकी टोटल डायमेंशन हो गई ATL-1।
इसकी हो जाएगी चार्ज की 80। हर डायमेंशन को बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, एरिया की L2, तो ATL-2। इधर चार्ज की डायमेंशन होती है 80 और L3, तो ऊपर आ जाएगा तो ATL-3। ये हो गई बच्चों इसकी विमा और मात्रक। लैम्ब्डा को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। थोड़ा सा मैं कैमरे को नीचे कर देता हूँ, एक बार आप देख लें ये पूरा, ये लीजिए डायमेंशन क्या लिखी हुई, देख लो आप लोग हैं, पूरी डायमेंशन देख लो, आराम से देख लो और नोट कर लो इसको। अब वापस ऊपर लाता हूँ कैमरे को, देखो भाई ये है इसके अंदर, जस्ट अ मिनट। अब ऊपर वाली हेडिंग ढक गई, कोई बात नहीं, ऊपर वाली हेडिंग उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक लगा ली होगी। चलिए अब एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर डायमेंशन क्या है भाई इसकी, ATL-1, इसकी ATL-2, इसकी ATL-3। मैंने अभी कैमरा नीचे किया, अगर आप लोगों को नहीं दिखा हो तो आप लोग अब देख लेना, ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी भाई, किसी चालक में आवेश की वह मात्रा जो प्रति एकांक लंबाई पर होती है, यानी कि L बराबर अगर 1 मीटर होगा तो Q बराबर क्या होगा, लैम्ब्डा होगा। अगर S बराबर 1 मीटर स्क्वायर होगा तो Q बराबर सिग्मा होगा। अगर V बराबर 1 मीटर क्यूब होगा तो Q बराबर V होगा। तो सीधी सीधी परिभाषा एक बार फिर से बताता हूँ, अगर L बराबर 1 मीटर है तो Q बराबर लैम्ब्डा, अगर S बराबर 1 मीटर स्क्वायर है तो Q बराबर सिग्मा, और V बराबर 1 मीटर क्यूब है तो Q बराबर रो। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी लैम्ब्डा की, प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज एट पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। किसी चालक में प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट इन एट पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर वायर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ हो जाएगी परिभाषा, किसी चालक में प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। किसी चालक में प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित या मौजूद या विद्यमान आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट एरिया या यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज एट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये है भाई इसके अंदर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को पॉज कर ले और यहाँ पे लिख ले। अब मैं एक एक करके तीनों को समझा देता हूँ, ओके। वीडियो को पॉज करके लिख लें आप लोग, ये विमा जो है नीचे सही से लिखें आप लोग, ये देख लो विमा, नहीं तो सोचोगे सर ने गलत लिख दिया। गॉट माय पॉइंट। अब देखिए भाई आप, अब मैं एक एक को तीनों को बारी बारी से बता देता हूँ आपको। अब मेरे सारे स्टूडेंट्स ने इन चैप्टर्स की ट्रिक्स पढ़ रखी है, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पार्ट नंबर 1, 2, 3 जो भी अभी तक हमने पढ़े, कल आराम से उसको एक बार रिवाइज कर ले मैं, ठीक है। ये जो है हमारे डेरिवेशन के अंदर काम आएंगे, बड़े से चित्र बनेंगे, बड़ी सी भाषा आएगी, 1 घंटे में 1 डेरिवेशन होगा। आज से 6 दिन के अंदर 6 डेरिवेशन करवाऊंगा। हर डेरिवेशन से पहले 10-15 मिनट का एक अलग वीडियो आएगा, उसमें उस डेरिवेशन की ट्रिक होगी कि कैसे उसको याद किया जाता है। आई चीज़ समझ में आपको, कि उसका पास कोड क्या है, क्या थीम है उसकी। तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा ये वाला आज का, रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व। पहले मैंने सोचा था कि सारे डेरिवेशन के ट्रिक्स एक साथ ही दे दूं, लेकिन उससे आप उलझ जाओगे। मैं काम करूंगा, 10-15 मिनट का वीडियो का ट्रिक का बना दूंगा, ठीक है। अगर आपको उसको देखा हुआ तो भी फिर से देखना, हो सकता है कि मैंने कुछ नया लिख दूं उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि मेरे पास में रटा हुआ कंटेंट कुछ भी नहीं है इस हिसाब से। तो 10-15 मिनट का जो भी रहेगा, कोशिश करूँगा जितना छोटा हो सके ताकि आपका डाटा बच सके और आप अच्छे अच्छे वागड़ सॉन्ग सुन सके, उनका भी एंजॉय ले सके। रेखीय आवेश घनत्व, और आपको लंबे समय तक ऑनलाइन ही पढ़ना है। ये अभी अफवाहें चल रही ना कि 21 तारीख से स्कूलें खुल जाएगी, सपने में खुलेगी बेटा। और वैसे ही 22 सितंबर को मेरा बर्थडे है, तो कोई चांस ही नहीं है कि 21 सितंबर को स्कूलें खुल जाए। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी,
क्या परिभाषा हो जाएगी भाई? सबसे पहले इसकी परिभाषा, किसी चालक में प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में। कल वाले वीडियो का एनालिसिस करके मैंने देखा था कि बहुत ही कम बच्चों ने उस वीडियो को देखा है, कल वाले वीडियो को। तो बेटा ऐसा बिल्कुल ना करें, ऐसा करने से आप अपने साथ ही खिलवाड़ करेंगे, उसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। किसी चालक में प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक देखें, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट इन कंडक्टर एट पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई लैम्ब्डा। लैम्ब्डा का फॉर्मूला क्यू अपॉन एल, बुक में डी क्यू अपॉन डी एल भी लिखा हुआ है, एक ही बात है। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, यूनिट। चैप्टर के पीछे क्वेश्चन है बेटा, तीनों क्वेश्चन है, शॉर्ट के, लघु उत्तरात्मक के, तीनों को समझाने का। कूलाम प्रति मीटर, क्या मात्रक हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर। और जो इसका विमा जो हो जाएगी, डायमेंशन जो हो जाएगी इसकी, दैट विल बी M0 का लपड़ा ही मत करो, ऐसा करो डायरेक्ट लिखो आवेश की AT, और ये नीचे से L ऊपर गया तो L-1, कंप्लीट। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? लैम्ब्डा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्यू क्या है? आवेश की मात्रा, अमाउंट ऑफ चार्ज। और एल क्या है? लंबाई, लेंथ। ये नाम ही से पढ़ा, लंबाई से रेखीय, लीनियर, इस टाइप से। ये है फर्स्ट वाले के लिए। फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और इसको फेयर कॉपी में कीजिए। आप लोग डाउट में नहीं आए हैं कि आपको नोट्स किस टाइप से बनाने हैं, जो हमारे वाले स्टूडेंट्स हैं उनको नोट्स यूट्यूब के सीक्वेंस में ही बनाने हैं बच्चों। जैसे हमने जो ट्रिक से डेरिवेशन किए ना, उनको फेयर आउट नहीं करना है। आई अगेन रिपीट, उनको फेयर आउट अभी नहीं करना है जब तक वो यूट्यूब के ऊपर नहीं आ जाते, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पूरी लैंग्वेज वगैरह पूरी कंप्लीट करके नोट्स जो प्रॉपर बनते हैं ना, वो मैं इधर ही बताऊँगा आपको, ठीक है? चलिए, दूसरा कौन सा हो जाएगा भाई? यहीं पे कर देता हूँ मैं, ताकि आपका टाइम बचेगा। रेखीय की जगह कौन सा हो जाएगा? पृष्ठ आवेश घनत्व। रेखीय की जगह हो जाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व। लीनियर की जगह हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। लीनियर की जगह हो जाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ऐसे काट काट के नहीं लिखना है, आपको फिर से लिखना है। किसी चालक में प्रति एकांक क्षेत्रफल आ जाएगा यहाँ पर, में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट इन कंडक्टर एट पर यूनिट सरफेस एरिया, सिर्फ एरिया मत लिख देना, सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सिग्मा। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिग्मा? क्यू अपॉन एस,
या क्यू अपॉन ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मात्रक यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगी टी माइनस टू, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा लेमडा की जगह सिग्मा, दैट इज पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एल की जगह आ जाएगा एस यानी क्षेत्रफल, एरिया। यहीं पे मिटा के इसलिए कर दिया ताकि वो वीडियो की साइज जो है वो छोटी हो जाए, वीडियो को पॉज करें और लिख लें फटाफट। ओके, तीसरा जो हमारा रहेगा दैट इज आयतन आवेश घनत्व या आयतन आवेश वितरण। इस चैप्टर के अंदर जो डायग्राम्स हम जो बनाएंगे वो एसपी वाली बुक से बनाएंगे बच्चों, साइंस पब्लिकेशन वाली बुक से बनाएंगे हम लोग सारे के सारे डायग्राम, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर डायग्राम में कोई मिस्टेक्स नहीं है। जो हमारी बोर्ड वाली बुक है उसके अंदर काफ़ी सारी मिस्टेक्स है इसके अंदर। तीसरा हो गया हमारा सरफेस की जगह वॉल्यूम, आयतन, और किसी चालक में प्रति एकांक आयतन में, यहाँ पर वर्ड आ जाएगा आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट इन कंडक्टर वायर एट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। किसी को ये तो नहीं लग रहा है सर इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं, किससे डर रहे हैं? क्योंकि बेटा अभी इस समय रात की 2:45 बज रही है, 2:40-45 हो रहे हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, और यहाँ पर हो जाएगा रो क्यू अपॉन वी, और यहाँ पर आ जाएगा रो आयतन। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं फिर भी आप लोग नहीं पढ़ो तो उसका कोई इलाज नहीं है बच्चों। वी है वॉल्यूम आयतन, मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब, और यहाँ आ जाएगा टी माइनस थ्री, कितना आ जाएगा टी माइनस थ्री, ये कूलम प्रति मीटर क्यूब। ये सब कुछ हो गया तीनों प्रकार के आवेश घनत्व चार्ज डेंसिटी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया गया होगा। आज आपका होमवर्क ये रहेगा, आपको तीनों आवेश घनत्व चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन घर पे पढ़ने इसी वीडियो से, फिर गाउस का नियम फिर से पढ़ना है इससे पिछले वाले वीडियो से, गॉस लॉ जो है, और विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो पढ़नी है पार्ट नंबर 2 से, और पार्ट नंबर 1 इसलिए रिवाइज करना है थोड़ी देर के लिए ताकि हम डेरिवेशन पहचान सकें। कल से जो आपको वीडियोज़ मिलेंगे उसके अंदर शुरू में 10-15 मिनट के लिए आपको ट्रिक मिलेगी डेरिवेशन को कैसे सोल्व किया जाए, उसमें आपको अपना भेजा कुछ नहीं लगाना है, जो पप्पा बोलते हैं वो करना है, ठीक है, सीधी बात है। पप्पा मतलब फिजिक्स के पप्पा, आपके जो सीनियर्स थे वो सब इसी नाम से पुकारते थे, धीरे धीरे आप लोगों की भी हैबिट पड़ेगी, ठीक है। पप्पा का मतलब होता है जो टेक केयर करता है, जो ध्यान रखता है। उसके बाद में आप इंस्टाग्राम पे वगैरह पे देख लेना उनके जो टेग लाइंस, जो टाइम लाइंस, जो भी स्टोरी होती है उसके ऊपर, ठीक है। तो आपको आज चारों वीडियो फिर से देखने, कल से हमारा कंटेंट हार्ड हो जाएगा, 15 मिनट की ट्रिक मिलेगी और 1 घंटे का पूरा साबुत डेरिवेशन मिलेगा रोज का रोज पढ़ ले। मैं ऐसा नहीं सोचा कि सर ने हमको क्लास में करवा रखा ट्रिक से, वो ट्रिक काम नहीं आएगी बेटा, उस ट्रिक से करोगे 0 नंबर मिलेंगे, क्योंकि वो साफ दिखा हुआ कि आपको रटा हुआ है। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, डायग्राम बाकी है, सारा कुछ कंटेंट बाकी है। ओके, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इसको कर देवें और आप लोग तीनों वीडियोज़ फिर से देख लेवें। कौन कौन से तीनों अभी तक के, कौन कौन से डेरिवेशन पहचानने वाले? हमारा फर्स्ट डेरिवेशन है तार वाला, अगर किसी को याद हो तो, वायर वाला। दूसरा डेरिवेशन है अचालक परत पट्टी का चादर, यानी कि नॉन कंडक्टर वो शीट या प्लेट। फिर चालक परत पट्टी का, यानी कि कंडक्टर प्लेट या कंडक्टर शीट। फिर अचालक गोला नॉन कंडक्टर स्फीयर, फिर चालक गोला कंडक्टर स्फीयर। फिर 3 स्पेशल डेरिवेशन छोटे छोटे छोटे, फिर हमारा चैप्टर का कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। सारे डेरिवेशन जो हैं वो बच्चों 10-10 पेज के जाएंगे, मैं फिर कह देता हूँ, सारे ही जो डेरिवेशन है ना 10-10 पेज के जाएंगे। तो आपको ना तो आगे कुछ पढ़ के आना है, ना ज़्यादा अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, एकदम मस्त रहो, खुश रहो, टीचर्स डे मनाओ, सैटरडे दिन भर टीवी देखो आराम से, मस्त रहो, ठीक है। और इन तीनों को एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। कल आपको फ्रेश माइंड से 1.25 घंटा फिजिक्स पढ़नी है वीडियो में, और कल का कल ही पढ़नी है, लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है।
ओके, थैंक यू एवरीवन।